हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे हुए भी हैं। तो यह क्लास जो है, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था कि सर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक सेक्शन का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए जो एग्ज़ाम में आए। तो हम आज के इस क्लास में जो है ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरिन, उसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे और उसके साथ ही साथ आंसर भी बताएंगे, जिससे आपको रटना ना पड़े और ना ही जो है दूसरा वीडियो आपको जो है देखना पड़े। तो आज की इस सभा में जो है हमने के जितने भी प्रश्न करेंगे वो सभी प्रश्न जो हैं या तो किसी साल में आपके केमिस्ट्री के पेपर में पूछे गए हैं या तो अब की बार पेपर में जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, आपको समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा और याद भी हो जाएगा और इसका जो है नोट्स आप बना लीजिएगा। तो चलिए सर सभा को शुरू करते हैं, सभा शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहा है जानते हैं, एगो जो है आपको रिएक्शन दिया गया है और उसे कहा है कि पूरा कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहा है पूर्ण प्रतिक्रिया लिखें। देखिए एगो जो है आधा रिएक्शन खाली अभिकारक दे दिया है, आपको प्रतिफल बना के ओकरा दे देना है। तो देखिए का तो एथिल ब्रोमाइड को जो है कह रहा है कि सांद्र CON कांस्टेंट का मतलब है सांद्र, KOH के साथ जो है आप गर्म कीजिए। ये त्रिभुज नहीं है, ये गर्म के साइन है। तो गर्म आप कीजिएगा तो क्या बनेगा, तो ये तो आप लइके में हमरा से पढ़े होंगे कि K जो है प्लस है तो माइनस बी के BR के साथ क्या होगा, भाग जाएगा। तो भगाइए इसको सर, KBR भाग गया कि नहीं भागा, तो अब बच का गया CH3 CH2 और क्या बचा OH। तो ये देखिए CH3 और CH2 और उसके बाद OH, तो ये क्या बना, तो एथिल एल्कोहल बन गया है कि नहीं। तो यह तो पूरा करेला था, केमिस्ट्री का तो भारी है और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बउआ वाला सबसे चीज है कि नहीं। आइए सर दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए आ दे दिले है ई अला, आपका तो जो है होशे उड़ गया होगा, बाप रे बाप एकर कैसे IUPAC नाम लिखतई आ एकर कैसे लिखतई, अरे दुनिया के सबसे आसान चीज है। आइए सर कैसे, देखिए ऐसन देले रहे तो देखिए पहले CH3 है तो CH3 लिख देवे के बाटे, ठीक बा। अब देखिए CH3 से एगो बाउंड है तो एगो बाउंड एजा दे दीजिए, आ देखिए ये जहाँ रुका है समझिए तो एजा का है, तो एजा जो है सी है, तो एजा सी है। आ देखिए सी से जो है एगो का निकल गया है तो एने जो है देखिए एच निकल गया है, तो एच को जो है एजे डाल दीजिए, ठीक है। आ देखिए अब दू गो बाउंड आपको नजर आ रहा होगा, तो एजा जो है दू गो बाउंड दे दीजिए। अब देखिए एजा सी एजा रुका है मतलब कि सी है भाई, तो यहाँ से एगो एच है, तो भाई सी है रुकल और ऐजा से एगो एच निकलल है। अब देखिए ऐजा सी था कि नहीं, अब ऐजा से जो है यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ऐजो से सिंगल बॉन्ड आप दे दीजिए। सिंगल बॉन्ड के क्या बात है, तो सिंगल बॉन्ड पर जो है का है, अरे सिंगल बॉन्ड पे जो है देखो एगो एच है एच, तो ऐजा जो है सी पर एगो एच दे देंगे। उसके बाद क्या है देखो देखो तो CH3 है, तो CH3 दे दिए। आ CH3 से जो है ये देखिए हाई देखिए हाई इस से जो है, अरे यार यहाँ से जो है एगो CH तो CH लिख दिए, आ एजे से जो है CH3 जुटल था CH3 लिख दिए। आ देखिए एजे से जो है निकलल है वो BR, तो एजा से जो है आप BR सीधा लिख दीजिए, जगह नहीं है तो हम जो है BR ऊपर लिख दिए। अब एक IUPAC नाम आप नहीं बता सकते हैं, आइए सर जेने से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है उन्हीं से हमने की गिनती शुरू करते हैं, मालूम है नो, अरे एकदम मालूम होगा। तो देखिए एन से गिनेंगे 1 2 3, तीसरा नंबर पर डबल बॉन्ड है, एन से गिनेंगे तो 1 1 2, दूसरे नंबर पे जो है डबल बॉन्ड है नजर आ रहा है, दूसरे नंबर पे है 1 2, दूसरे बॉन्ड पे डबल बॉन्ड आ गया, मतलब गिनती एन से शुरू करेंगे 1 2 3 आई 4 आई 5, अरे रबरवा काहे आ जाई थे यार। तो ये देखिए ये जो है 5 आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 चौथा नंबर पे का निकलल है BR, तो पहले हमने के जो निकलल रहता है छटकल रहता है ओकर नाम लिखते हैं कि नहीं, तो आइए सर का लिखेंगे, तो चौथा नंबर पे है BR, तो 4 ब्रोमो
चार ब्रोमो लिख दिए, एकदम आप लिख दिए। अब जो है गिनते हैं लंबी श्रृंखला में के गो कार्बन है, तो एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो है कि नहीं, पांच गो। अब पांच गो है कार्बन, तो आपको जो है पांच के जो है क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, कहते हैं कि नहीं पेंट, एकदम कहते हैं पेंट। और देखिए कितना नंबर पर, चौथा नंबर पे ब्रोमो निकलल है, तो एजा जो है चार लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। आ एकरा में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के जगह ई एन ई लिखते हैं कि नहीं। का नाम हुआ आईपीसी नाम, चार ब्रोमो पेंट फोर इन आ गया। अरे आप तो कहेंगे कि इतना आसान है, अगर आपको आईपीसी नाम लिखे नहीं आ रहा है, वो ट्रिक से जो है वीडियो बना के डालल है, आप सर्च कीजिए आईयूपीएससी नाम लिखने का ट्रिक भाई सनी सर, आपके सामने हम प्रकट हो जाएंगे सर, है कि नहीं। तो आईयूपीएससी नाम एकर लिख लिए, जब एकर लिख लिए तो आप एकर तो लिख के आप दिखा सकते हैं ना सर कि कैसे एक निकल लिखेंगे हम। आप पहले इसको सजा दीजिए सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, और फिर जो है सी एच, और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, और फिर जो है सी, और सी से जो है का सी एच थ्री एगो निकलल है, और उसके बाद जो है का सी आ सी एच टू, और सी एच टू से बी आर निकलल है, हो गया खेला। तो ये सब जो बतवा है आपको आता है न समझ में, तो एक तनी नमवा लिख के हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एगो के तो हम आपको बता दिए, ठीक बाटे। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखें। निम्नलिखित को यानी मीथेन से जो है क्लोरोफॉर्म बनावेला है, तो आप कैसे जो है बनाएंगे, ये तो बउआ वाला बात है। आप कहेंगे भय मर्दे, आप कहते हैं बउआ वाला बात है, या ऐजा जो है इतना एक क्वेश्चन आई भारी भारी, आप बउआ वाला बात। अरे देखो खिसियाओ से मत, देखो कितना बउआ वाला बात है। मीथेन, मीथेन के जो है हमनी के लिखेंगे सी एच फोर, ये नो होता है मीथेन। चलो मीथेन से हमनी के क्या बनाने वाला है, क्लोरोफॉर्म। तो इसको जो है आप सी एल टू से अभिक्रिया करवाइए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या होता है, एगो एजा से एच निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा भाई, तो एगो एजा से जो है एच, आ एगो एजा से सी एल, तो क्या होगा प्लस में जो है एच सी एल, ठीक है। आ कहाँ बचा, तो ई जो है सी, आ एगो एजा से निकल गया तो सी एच थ्री बचा, बचा कि नहीं। आ यहाँ से जो है क्या बचा, यहाँ से जो है सी एल बचा, ठीक है, इतना बना लिए। अब जो है फिर करवाई, देखिए सी एच थ्री, सी एच थ्री सी एल, अब देखिए फिर एक जो है सी एल टू के साथ अभिक्रिया करवाइए, तब फिर अब एजा से एगो एच निकलेगा, आ एगो एजा से सी एल निकलेगा। अब जो है निकालिए, तो आपको तो समझ में आ गया होगा एच सी एल निकल गया, तो एजा से एगो निकल गया, तब कि क्या बचा सी एच टू, आ उसके बाद सी एल टू, सी एल टू कहे कि एगो सी एल एजा आया तो सी एल पहले से था, आ एगो सी एल आ हुआ है तो सी एल टू हुआ कि नहीं। अब फिर देखिए सी एच टू सी एल टू, सी एच टू और सी एल टू को जो है फिर आप सी एल टू से अभिक्रिया करवाइए, तो क्या होगा एजा सब की एगो आऊ एच जो है केकरा सी एल के लेके भाग जाएगा, तो एच सी एल हो गया खेला। अब देखिए, अब देखिए बचा है एगो एजा से एच निकल गया, तो क्या बचा सी एच खाली बचा, आ देखिए सी एल टू पहले से था एगो आउ सी एल आया, तो क्या हो गया सी एल थ्री बनल। क्लोरोफॉर्म के सूत्र का होल सी एच सी एल थ्री बन गया है कि नहीं। आप कहेंगे कि भारी था, अरे भारी कुछ नहीं होता है, ये देखिए ये बन गया। अब जो है आप कहेंगे कि इतने तेज हैं तो तनी बना के दिखाइए ने, क्लोरोफॉर्म से इथाइन कैसे बनता है, अरे तरह के ये सब बउआ वाला बात कर दिया सब। देखो क्लोरोफॉर्म से इथाइन बूट्स अभिक्रिया के अंतर्गत बनता है। आइए सर क्लोरोफॉर्म से जो है हमने के क्या बनाया वाला है, इथाइन बनाया वाला है, तो सी सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म के एगो सूत्र ले ले लिए, आ इसको जो है छः गो सिल्वर के साथ जो है हम का कर देंगे, तो का करेंगे गर्म कर देंगे, मतलब समझ में आता है नू, आ अभिक्रिया करवा दीजिए। मैं ए जी सिक्स ए जी लिखल है, ए जी मतलब समझते हैं नू का होता है, तलो समझदारी वाला बात है। छः गो ए जी, ए जी प्लस में होता है, तीन गो सी एल आ तीन गो सी एल, ए जी जो है सी एल के लेके भाग गया, तो कहाँ आया प्लस, तीर के बल ऊ पार्टी लिखेला है, जगह नहीं था तो हम नीचे लिख रहे हैं, तो छ ए जी आ उसके बाद सी एल, तो छ गो ए जी आ छ लगल है तो छ गो सी एल, खत्म हो गया, बचा का सी एच सी एच,
तो का सी एच आ सी एच। अच्छा बताओ एगो कार्बन के गो चाहिए, चार गो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एक में ट्रिपल बॉन्ड लगा दियो भाई। तो ये ट्रिपल बॉन्ड जब लग गया तो दू गो कार्बन को का कहते हैं, एथ कहते हैं। एथ में जो है ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन कहेंगे। तो हमने के कहाँ बनावे ला रहे हो, एथाइन ही तो बनावे के रहे है कि नहीं, तो बन गया भाई एथाइन। देखे कितना आसान था। अब कहेंगे सर आप तो बना दे रहे हैं, आप तो पढ़ल लिखल मास्टर हैं। अरे हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं, प्रैक्टिस ऐसा चीज़ है कि आप जो है बना देंगे। अब कहेंगे सर इसका नोट्स आप दे देते नू तो मज़े आ जाता भाई। नोट्स एकर एकदम बहुआ के तरह बना के जो है आपके SGS क्लासेस एप्लीकेशन में से जो है डालल गई है, और खासकर क्रैश कोर्स में डाले हैं हम। जो साइंस का क्रैश कोर्स लिया है ना 499 वाला, उसमें आप अगर आप अभी तक कह रहे हैं कि साइंस के आपके कौनो चीज़ के तैयारी नहीं हुआ है और आपको लगता है कि फेल आप हो जाएंगे, बस आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए और साइंस वाला ज्वाइन कीजिए जो 499 रुपये का है। उसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, आपको प्ले स्टोर से एक SGS एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करना होगा, SGS क्लासेस एप्लीकेशन को। आज जैसे ही इसको आप डाउनलोड करेंगे, अगर आप नहीं कभी यूज किए हैं तो न्यू यूजर पे क्लिक करके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सब डाल लीजिए, और उसके बाद आप का कीजिए तो ओकरा पे क्रैश कोर्स ज्ञानोदय बैच साइंस खुल के आएगा। 499 रुपया में आप जो है ना पूरे साइंस को जो है 2 महीना अभी आपके पास है, आप इतना पढ़ लेंगे, आप यकीन मानिए आपको लगेगा पढ़ने के बाद कि 400 नंबर जो है आ जाएगा। ठीक है सर, बस हमार सलाह है, अब मानना ना मानना आपकी बातें हैं है कि नहीं। आइए हमने के सभा को आगे बढ़ाते हैं, 3 क्वेश्चन अभी तक किए हैं। आइए सर आगे आगे देखिए ये क्या होता है वाला क्वेश्चन में हमारा बहुत मजा आता है। क्या होता है जब, क्वेश्चन कहले है क्या होता है जब एसिटल डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म कर दिया जाता है। देखिए ये है एसिटल डिहाइड आ ये है विरंजक चूर्ण आ ये है गर्म के साइन, साइन मतलब चिन्ह है। ठीक है, तो आइए देखिए एसिटल डिहाइड को जब आप विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो जानते हैं क्या बनता है भाई, आपको मिलता है आयोडोफॉर्म। ठीक है, आयोडोफॉर्म नहीं, हम यहाँ पे जो है तनी मानी क्लोरो जो है क्लोरोफॉर्म आपको मिलता है। कहाँ तक क्लोरोफॉर्म आपको मिलता है, CHCl3। तो ये आपको याद कर रहे एसिटल डिहाइड को अगर विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाए तो आपको जो है क्लोरोफॉर्म मिलेगा। ये बात जो है आपको याद रखेला है क्या होता है जब। ऐसा क्वेश्चन आज तक हले नहीं है कि केमिस्ट्री में नहीं बनल होगा। आ केमिस्ट्री में जो है ऐसा क्वेश्चन आता है, हम आपको क्या होता है जब ऐसा जो है 15 क्वेश्चन बताएंगे जेकरे में से जो है क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये वाला भी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आ ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो 15 में से 3 तेजी हम लिखे हैं। इथाइल ब्रोमाइड को अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म कर देवल जाए तो का होगा। आइए सर पोटेशियमवा का करेगा कि BR के लेके भाग जाएगा। अरे देखो पोटेशियमवा के यही रहने हैं कि BR के लेके भागेगा। अब जब भागेगा तो एथिल साइनाइड बनेगा CH3 CH2 और उसके बाद CN है कि नहीं, ये तो बना है भाई। देखो KBR गया तेलना पे, गया देखिए बाहर निकला, तो बाकी बचा ये है ना, तो इसको जो है आप लिख देना है क्या बना, तो एथिल साइनाइड बन के आया और पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखिए एक वाव तीसरा कह ले क्या होता है जब मीथेन सूर्य के प्रकाश में अप्रत्यक्ष प्रकाश में Cl से क्रिया करता है। का होता है जब है मीथेन जो है Cl2 के साथ क्रिया किया है, तो भाई तनी पीछे पढ़ो तो पीछे है मीथेन जो है Cl2 के साथ क्रिया किया है तो का बनाया है, वो देखिए तो का बनाया है, ई बनाया है क्लोरोफॉर्म। तो ई वाला पूरा रिएक्शनवा जो है यहाँ तक जो है आपको उतार देना है। आ देखिए ये क्लोरोफॉर्म ही नहीं बनाता है, आगे और कुछ बनाता है। देखिए ये क्लोरोफॉर्म तो बना ही दिया और एकरा आउ Cl2 के साथ क्रिया करवा देवल जाता है ना, तो एगो एजो से एच जो है Cl के लेके भाग जाता
जाता है एच सी एल। अब की क्या बच गया, अब एहू वाला एच निकल गया तो सी बच गया और सी 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 एल थ्री था आ एगो सी एल आउ आया तो का बना टेट्रा क्लोरो टेट्रा कार्बन क्लोरो। ये जो है टेट्रा जो है कार्बन क्लोरो बन गया। तो ये जो है आपको याद रखेला है कि यो जो है बनता है टेट्रा कार्बन क्लोराइड का नाम है, ठीक है टेट्रा कार्बन क्लोराइड। तो ये जो है आपको याद रखेला है ये भी बनता है। तो ये वाला पूरा जो है तीन लाइन तक आपको उतार लेवेला है और लास्ट लाइनवा में जो है आपको ई वाला एगो जोड़ देवेला है। ठीक है बालक समझ गए हो, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये मिथेन वाला जो है आप समझ गए तो खेला होता है खत्म। आइए सर कहले हैं कि पूर्ण प्रतिक्रिया को लिखें, तनी देख लियो पूर्ण प्रतिक्रिया। ये बेंजीन रिंग है आ बेंजीन में जो है एन टू प्लस और सी एल माइनस है, कौन सा उत्प्रेरक रखल गई है तो सी यू सी एल और एच सी एल। तो एकर पूर्ण प्रतिक्रिया लिख के देखा हूँ, आइए लिखते हैं। ये बेंजीन रिंग है, आप भी का कीजिए नो कि एगो बेंजीन रिंग जो है बना दीजिए। अब कहेंगे सर ये तो बेंजीन रिंग वहाँ जो है बड़ी बनाए में दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है बात, ये सब बउआ वाला चीज़ है। ठीक है तो ऐसे सी एल आई एन टू जो है ना निकल जाता है बाहर। ठीक है सर तो जब ये बाहर जो है नाइट्रोजन गैस निकल गया अब बेंजीन रिंग पे सी एल है तो इस पूरे को क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। बात समझ में आया, रिएक्शन हो गया पूरा। अब जो है हमनी के आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। आइए सर ये सब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर आपके मैथ्स पढ़े हैं कहीं पर फिर तब तो आपको समझ में आ रहा है, अगर आप कहियो नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री के नामे नहीं जानते हैं तब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 महीना बाद आपका एग्जाम है भाई, ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है हमें उम्मीद है। तो ये सब जो है बउआ वाला बात है, नहीं आपको समझ में आए आप एक बार नोट्स को जरूर देखेंगे। ठीक है सर आगे चलिए, आगे तो नहीं हमने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान पूर्ति करेला है सी एस थ्री, यानी कि ये जो है बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे जो है सी एस थ्री जुटल है। तो एकरा का नाम एकर है बस एकर कमेंट बॉक्स में हमको नाम बता दीजिए। हाँ एकर नाम अगर आप नहीं बताएं तो फिर जो है आप फेल हो जाएंगे केमिस्ट्री में, इतना हम लिख के देते हैं। काहे कि बेंजीन रिंग पे जब सी एस थ्री होता है तो ओकर नाम जो है का होता है बस इतने जाने ला है, तो नाम बता देना। अब एकरा जो है सी एल टू के साथ हमने के क्रिया करवाते हैं तो का होता है देखना है। सी एल के का गुण है कि सी एल जो है एगो का करेगा, एगो एच के लेके भागेगा। तो अब देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जो है हम बना दिए आ एकरा पे सी एच थ्री था तो सी एच थ्री में से जो है एगो जो है एच लेके भाग गया तो सी एच टू बचा आ एच लेके भागा तो सी एल के एगो लेके भागा है कि नहीं। आ लेकिन एगो सी एल भागा है तो एगो तो अभी बचल होगा तो एजा जो है सी एल आया, ये जो है रिएक्शन पूरा हो गया। हमारा आपसे बस उम्मीद इतना है कि आप बताएंगे कि जब क्लोरी बेंजीन पे जो है का तो सी एस थ्री जो है होता है तो एक का नाम होता है, बस हमारा इतना जाने ला है तू लोग से। ठीक है चलिए अगर एकरा पे ओ एच रहता तो हमने के एल्कोहल कहते हैं, लेकिन है सी एस थ्री का कहेंगे बड़ी बढ़िया से आप लिखेंगे। चलिए सर 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बउआ वाला क्वेश्चन था। आइए सर क्वेश्चन है कि बेंजीन को अगर क्लोरीन के साथ है एफिसियल टू उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ए बनेगा। ठीक है अब फिर इसको जो है हमने के सी एच थ्री सी एल के साथ जो है अभिक्रिया करवाएंगे ए एल सी एल थ्री उत्प्रेरक की उपस्थिति में तब बी बनेगा। ई ए और जो बी बनेगा ओकर हमको नाम जानना है और संरचना जानना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बनेगा बी बनेगा लेकिन काची बनेगा ओकर नाम बताइए और संरचना बताइए। आइए सर अभी बनाए हैं, देखिए हम यंग देखिए बेंजीन रिंग के साथ है सी एल के अभिक्रिया करवाए हैं तो आप अभी बनाए हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ है सी एल तो हम जो है बेंजीन जो है ये जहाँ हम रिंग बना देते हैं। क्या आपको कोई दिक्कत है सर? नहीं दिक्कत होगा। अब सी एल के साथ जो है सी एल टू के साथ आप जो है एफ ई सी एल टू के उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तो क्या बनेगा?
यहाँ से जो है बेंजीन रिंग के ऊपर जो है एगो सीएल आता है आ एगो सीएल जो है बाहर निकल जाता है तो का क्लोरोबेंजीन आया। ठीक है, अब ए नंबर के नाम का आया क्लोरोबेंजीन। अब देखिए फिर इसको जो है अभिक्रिया करवावेला है CH3 और CL के साथ है। उत्प्रेरक का है तो AlCl3 है। अब इसको जब आप अभिक्रिया करवाइएगा तो देखिए क्या आएगा, ClCl2 जो है जाएंगे तेलना पे। ठीक है, CL और CL का होगा Cl2, लेकिन E वाला जो है यहाँ पे आएगा आ चाहे यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को जो है आप बेंजीन रिंग के तरह जो है बना दीजिए। पहले से एक और ऊपर जो है का है Cl है आ Cl है आ एकरा से अभिक्रिया हुआ है तो ये गो आ गया नीचे, आ गया कि नहीं नीचे, आ ECl आ ECl जो है प्लस जो है बन के निकल गया, क्लोरीन गैस बाहर निकल गया। भाई एकर नमवा का आया है तनी आप बताएंगे, नहीं अगर आप बताएंगे तो हम आपको बता देते हैं। ये आएगा पी क्लोरो, पी मतलब का होता है आपको मालूम है, पी मतलब होता है पैरा, पैरा पोजीशन पे जो है एकर का है क्लोरो है, पी क्लोरो जो है मेथिल एकर नाम आएगा। ठीक है, ई बतवा जो है अपन दिमाग में याद रखिएगा। तो ई जो है ए के नाम का आया तो क्लोरोबेंजीन और बी के नाम का आया तो बी के नाम आया पी क्लोरो मेथिल। आपको नाम जानना था, संरचना जानना था, संरचना हम बना दिए और नाम भी बना दिए, खत्म हो गया खेला। आई सर 7 क्वेश्चन हमने के कर लिए मजा मजा में। आई सर क्वेश्चन नंबर जो है 8 लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित को आप किस प्रकार लिखेंगे, निम्नलिखित को आप किस प्रकार लिखेंगे, मतलब कि मिथाइल आयोडाइड से इथेन आपको बनाना है। देखिए मिथाइल आयोडाइड है और आपको बनाना है का इथेन। हम ले लिए सर मिथाइल आयोडाइड ले लिए, देखिए तो लिए हैं आ उसको जो है सोडियम के साथ जो है अभिक्रिया करवा दिए हैं। हम मिथाइल आयोडाइड 2 लिए हैं इसीलिए सोडियम भी जो है हम 2 उठा लिए हैं। तो आप बूट्स अभिक्रिया पढ़ के आए होंगे केमिस्ट्री में। बूट्स अभिक्रिया का कहता है कि यहाँ जो है हाइलाइट जो है वो का करता है तो सोडियम के साथ भाग जाता है। तो देखिए 2 सोडियम है तो 2 जो है आयोडीन के लेके भागेगा, यानी कि प्लस में जो है 2Na भागा कि नहीं, 2 आयोडीन भाग गया 2 सोडियम के साथ है। अब बचा का देखिए CH3 यहाँ पे आ यहाँ पे जो है फिर का CH3। अब CH3 के बीच में कार्बन को 4 चाहिए तो CH3 मिल रहा है तो जाए एगो बॉन्ड दे दीजिए, एगो बॉन्ड दिए। अब देखिए कार्बन 2 है तो 2 कार्बन के का कहते हैं, 2 कार्बन के एथ कहते हैं आ एथ में जो है सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे तो का बनेगा एथेन। आपसे जो है एथेन तो पूछ रहा है, एथेन आप बना के उसको दे दिए, हो गया खेला खत्म। बातें समझ में आई? अरे बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए सर दूसरा कहा है कि एसिटिलीन से आयोडो फॉर्म बनावेला है। ओहो एसिटिलीन से आयोडो फॉर्म बनावेला है। देखिए एसिटिलीन है कि नहीं, 2 कार्बन है और एकरा में जो है का है ट्रिपल बॉन्ड है, एसिटिलीन ही है। अब जो है इसको जब आप H2SO4 जो तनु H2SO4 है उसके साथ जैसे ही आप अभिक्रिया करवाते हैं तो आपसे का बन के आता है, ये का है एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड बन के आया। और ये जो है फिर I2NOH के साथ अभिक्रिया करता है तो का बन जाता है आयोडोफॉर्म बन जाता है, आयोडोफॉर्म। CH3 को जो है आयोडोफॉर्म कहते हैं, CHCl3 को जो है क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये सभी बातें जो हैं आपके दिलों और दिमाग में जो है बस जानी चाहिए, काहे कि जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुनिया के सबसे आसान जो है पार्ट्स है केमिस्ट्री का। बस डिपेंड करता है कि आप किससे पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है सर, आइए सर इस क्वेश्चन का जो है खेला खत्म हो गया। ठीक है, आयोडो फॉर्म बनावेला था एसिटिलीन से, हम बना दिए, मिथाइल आयोडाइड से जो है इथेन बनावेला था, बन गया, खेला खत्म हो गया। आइए क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्वेश्चन जो है बउआ वाला पूछ ले है आपसे कहा है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि को लिखें।
तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आप क्या करना होगा, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो है एल्कोहल को लीजिए, ठीक है, और एल्कोहल को जो है एसीटोन के साथ है, एल्कोहल को एसीटोन के साथ विरंजक चूर्ण की उपस्थिति में जो है आप गर्म कर दीजिए, आपको जो है क्लोरोफॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। आपके तो दिल और दिमाग में गया नहीं होगा कि आप क्या बोल दिए, हमारा तो समझ में नहीं आया, अरे रुक जाओ यार, इतना तो नहीं कि किसी आ जाता है सब कि हम क्या कहें। चले कोनो बात नहीं, आपको जो है कहना है, हमको जो है समझाना है। देखिए हम क्या कहें हैं, एल्कोहल को जो है ना, आप जो है एल्कोहल को क्या कीजिए कि किसके साथ हम कहे हैं, तो आपको जो है एल्कोहल को एसीटोन के साथ जो है, देखिए एसीटोन के तो सूत्र आप जानबे करते होंगे, एसीटोन के साथ जो है आप जो है क्या कीजिए, तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 की उपस्थिति में आप क्रिया करवा दीजिए, बन के तैयार हो जाएगा। कहाँ बनेगा, क्लोरोफॉर्म बन के जो है तैयार हो गया। अब जो है कहेंगे सर कि क्लोरोफॉर्म तो बन के तैयार हो गया, लेकिन हमारा ये नहीं समझ में आया कि का क्लोरोफॉर्म जो है एक गो चरण में बनता है। नहीं बालक, क्लोरोफॉर्म एक चरण में नहीं बनता है, तीन चरण में बनता है। आई तीनों चरण को जो है हम अपन नोट्स में बहुआ की तरह एक्सप्लेन करके जो है ना आपको हम क्रैश कोर्स में दिए हैं। काहे ला दिए हैं, आपको समझने के लिए ही। आई क्वेश्चन को जो है ना हम इस बार जो है BVI की श्रेणी में रख रहे हैं, बाकी सब जो है मोस्ट BVI है, ये जो है तनी BVI है, ठीक है, याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके इस अगर कोनो एग्जाम में नहीं आया है, इस बार एकदम 100% संभावना है कि आएगा। तो तनी इस रिएक्शन को आप पढ़ के जाइएगा, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बूड्स प्रतिक्रिया की व्याख्या करें। गो माई गॉड, दुनिया के सबसे आसान प्रश्न पूछा है कि बूड्स अभिक्रिया की व्याख्या करें। चलिए आइए, बूड्स अभिक्रिया एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड है कि नहीं, एल्किल मतलब R और हाइलाइड मतलब X। एल्किल हाइलाइड को अगर आप सोडियम के साथ जो है अभिक्रिया करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपके सामने एल्केन प्राप्त होता है और उसके बाद जो है कुछ हाइलाइड के यौगिक प्राप्त होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारा तो बतवा समझ में नहीं आया, का यही बूड्स अभिक्रिया है, एकदम यही बूड्स अभिक्रिया है। अब कहेंगे सर कि आप पीछे बूड्स अभिक्रिया की चर्चा किए थे, देखिए RX लिखल है, देखिए तो R के जगह जो है CH3 और X हाइलाइड के जगह जो है I लिखे हैं, I हाइलोजन ही तत्व है, उसी को हाइलाइड बोलते हैं ना, ठीक है, तो CH3 और का लिखे हैं I। देखिए उसके बाद 2Na, यहां देखिए तो 2Na लिखे होंगे, और फिर देखिए XR, X मतलब कि I और उसके बाद R मतलब कि E। आ ई जब मिला है तो का बनाया है भाई, ई एल्केने नु बना है, एल्केन एकर नाम का है, तो दूगो कार्बन है, तो दूगो कार्बन के एथ आ सिंगल बॉन्ड है, तो एन एथेन एकर नाम आया है। आ एजा जो है एल्केन RR को जो है एल्केन कहते हैं, R के जगह CH रखेंगे तो सी गिन के ऊपर नाम लिख देवल जाता है। तो देखिए तो बूड्स अभिक्रिया का है, ई जो है बूड्स अभिक्रिया के जो है का है ई नियम है, आ ई जो है ओकर एग्जाम्पल है। बात समझ में खत्म हो गई, आई भी होगी, बिल्कुल आई होगी। चलिए सर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्लोरोफॉर्म की निम्नलिखित से अभिक्रिया करवाइए। आइए सर करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म को जलीय KOH के साथ जो है आप अभिक्रिया करवा दीजिए। आइए सर करवा दिए हैं हम अभिक्रिया, देखिए ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसको जो है का तो जलीय KOH के साथ जो है अभिक्रिया करवा दे वाला था, हम करवा दिए हैं। देखिए जलीय KOH ले लिए हैं और आयोडो ए का लिए हैं, तो आयोडो फॉर्म नहीं क्लोरोफॉर्म लेना था ना, हाँ क्लोरोफॉर्म ही लेना था, तो हम क्लोरोफॉर्म ही लिए हैं। तो देखिए एजा से एगो एच जो है सीएल के लेके भागेगा, चलो भाग गया जो है, एगो एच जो है सीएल के लेके भाग गया। अब देखिए एच एजा जो है तीन गो है ना, तीन गो, आप कहेंगे कि सर तीन गो है, हाँ तीन गो है, एगो जो है एच एजा निकल गया सीएल के साथ है, सीएल एजा भी तीन गो था, तो अभी जो है एजा एच जो है के गो बचल है, दो गो एच बचल है, तो दो गो एजा से एच
आ एगो ओ निकलेगा यहाँ से, ओ भी जो है एजा देखिए तीन गो है, तो दू गो एजा से एच आ एगो ओ निकलेगा, तो का बनेगा दू गो एच और एगो ओ, एच टू ओ बन गया। अरे आप कहेंगे तो बढ़िया, आप तो समझदार हैं सर। अब देखिए एजा अभी तीन गो ओ था तो एगो ओ गया है, दू गो ओ एजा बचल है, दू गो ओ जो है अभी बचल है। आ देखिए एजा जो है का बचल है तो सी एच, सी एच अभी बचल है कि नहीं, सी एच आ दू गो ओ, हम एजा लिख सकते हैं सी डबल ओ एच। आप कहेंगे अरे समझदारी वाला बात किए हैं, चलिए ये भी हम लिख दिए। अभी जो है का बचल है तो एकर के जो है कहाँ गया, तो के जो है आपसे वही जो है के एजा निकल के आया है। देखिए तनी मनी अब जो है के एजा जो है का किया है कि के जो है एगो सी एल के साथ है जो है अभी भागा है, के जो है सी एल के साथ है अभी। आप कहेंगे सर सी एल जो है एजा के गो है, एजा जो है दू गो है, आ के जो है एजा के गो है, तो के जो है तीन गो है। तो आप एजा का कीजिए कि यहाँ पे लिख दीजिए तीन, तो के गो हो गया तीन के, तो तीन गो सी एल भी हो गया। तो आप संतुलित करें तो इतना आईबे करता होगा कि संतुलित कैसे करल जाता है, तो रिएक्शन को संतुलित करके या तनी मनी हमको दिखा दीजिए, बाकी जो है बना है ये जो है बिल्कुल जो है सही चीज है। ठीक है, कैसे बना है आपको मालूम है कि ए गो एच जो है सी एल के साथ भागा है मालूम है, तो एच सी एल पहले जो है बाहर निकला, उसके बाद जो है यहाँ से दू गो एच और ए गो ओ जो है एच टू ओ बनाया, एच टू ओ जो है वहाँ से बाहर निकला, उसके बाद जो है यहाँ पे सी एच और दू गो एच जो दू गो ओ, तो सी डबल ओ एच बना, उसके बाद जो है का तो सी एल टू एजा दू गो बचा और उसके बाद के जो है एजा तीन गो बचल था, तो यहाँ पे हम लिखें थ्री के सी एल, तो एजा सी एल भी जो है तीन गो हो गया। ठीक है, आ यहाँ पे एगो मिला के चार गो, लेकिन यहाँ पे जो है तीने गो है, तो संतुलित रिएक्शन को संतुलित कीजिए। संतुलित तो आपको बउआ के तरह करे आता ही होगा, इतना तो समझदारी होगा ही। चलिए आइए सर नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगर जो है नेक्स्ट 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 कहा है कि एसीटोन को अगर जो है आयोडो फॉर्म के साथ क्रिया करवा देवल जाए तब का बनेगा। तो देखिए एसीटोन है, ये एसीटोन है, आई आयोडो फॉर्म है, तो का बनेगा। तो देखिए ये एसीटोन को का हम ऐसे लिख सकते हैं सी एच थ्री है सी एच थ्री आ ई बॉन्ड एकर आ उसके बाद फिर जो है सी एच थ्री आ उसके बाद सी सी और ओ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो आप कहेंगे कि एकदम लिख सकते हैं। देखिए तो ई वाला जो ओ है, ई वाला ओ, ई जो ओ है एकरा में जो है एच के साथ जो है अलग होता है। तो अब का आप लिखेंगे कि देखिए का तो ओ जो है एच के साथ अलग हो गया। अरे देखिए ई सी जो था एच के साथ अलग हुआ है, तो अभी बचल का है एजा सी बचल है और सी एल थ्री बचल है, तो एजा सी और सी एल थ्री, देखिए तो सी और सी एल थ्री इसको जानते हैं का कहेंगे क्लोरीटोन, क्लोरीटोन कहेंगे। तो आप का समझें कि अगर जो है एसीटोन जो है क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करता है क्लोरीटोन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन कहा है कि अगर आयोडोफॉर्म देख लो बुड्स अभिक्रिया आ गया है, देखिए सिल्वर के साथ अभिक्रिया करता है तो का करेगा। देखिए क्लोरोफॉर्म जो है अगर सिल्वर के साथ अभिक्रिया किया है तो क्या बनेगा, पीछे क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं कि आपको जो है क्वेश्चन इसको जो है पूरा कर ला है। देखिए छ गो ए जी छ गो सी एल के साथ जो है भाग जाएगा, तो बचा का सी एच और सी एच, तो सी एच सी एच के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड यानी बना का एथाइन बना है कि नहीं, तो ई तो पीछे भी आप रिएक्शन किए हैं ना, तो ई रिएक्शन के आप कंप्लीट कर लेंगे पहला या दूसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में ही था। ठीक है, तो ये जो है आप कर लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि SN1 एवं SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखें, एकरा आगे अगर हम 50 गो BVI भी लगाएं ना
तो ये कम ही पड़ेगा अब की बार के एग्जाम के लिए। अगर 50 गो हम VVI लगाएं वो भी जो है कम पड़ता है SN1 एवं SN2 अभिक्रिया में अंतर के लिए। तो SN1 SN2 अभिक्रिया में लगभग 8 गो अंतर जो है हमर नोट्स में है आ सब बउआ वाला है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो हम जो है एगो दुगो जो है उसके जो है अंतर आपको हम बताते हैं। पहला, SN1 अभिक्रिया जो है दो गो पद में पूर्ण होती है यानी कि दो गो प्रोसेस होता है ओकर, ठीक है। और SN2 अभिक्रिया जो है एक के पद में जो है पूरा हो जाता है। ये गो अंतर हो गया, दो गो अंतर। आणविकता जो है SN1 अभिक्रिया की का होता है, एक होता है, कोटि भी एक होता है। लेकिन SN2 अभिक्रिया की आणविकता भी 2 होती है, कोटि भी 2 होती है। तो ये सब अंतर जो है आपको बउआ वाला है, ये सब आपको याद करे पड़ेगा भाई। तो ये सब जो है आप समझ लीजिएगा। इधर निकल है क्वेश्चन नंबर 13 कि क्लोरोबेंजीन का उपयोग कहाँ होता है। तो क्लोरोबेंजीन का उपयोग अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस बार एग्जाम में जो है 2 नंबर छोड़ के आएंगे, ठीक है। क्लोरोबेंजीन को तनी समझिए। क्लोरोबेंजीन कीटनाशक जो DDT होता है उसमें जो है उपयोग किया जाता है, कीटनाशक के रूप में DDT के रूप में जो है क्लोरोबेंजीन का उपयोग किया जाता है। तीसरा, फिनॉल एनिलीन के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद विभिन्न कार्बनिक पदार्थों या यौगिकों के निर्माण में हमने के करते हैं। तो ये सभी जितने भी आज आप क्वेश्चन किए ना सर, ये सभी बउआ वाले थे और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं इस बार के आपके एग्जाम के लिए। तो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आपको लगता है कि साइंस में हमारे तैयारी नहीं भइल बा, तो आप साइंस के क्रैश कोर्स को लीजिए। ओकरा में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी सब सब्जेक्ट है आ सब जो है ना अपने आप में जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ओकरा में डालल गई है। आप जब पढ़ लेंगे आपको लगेगा इस बार खेला खत्म है साइंस के, ठीक है। तो आप वीडियो देखे हैं तो तुरंत जाइए और इसको शेयर कीजिए, उसके बाद जो है कोर्स में इनरोल होइए। और वीडियो आप देखें उसके लिए